नमस्कार दोस्तों, एनमार्ट के सफर में आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब लोग 15 अगस्त की गोपाल जी की अनाउंसमेंट सुनने के बाद बहुत खुश होंगे। तो इसी खुशी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं एनमार्ट के सफर पर और आगे नई मंजिलें तय करने के लिए। दोस्तों, जिस तरह से एनमार्ट का हमेशा से एक जज्बा रहा है कि अपने मेंबर्स को अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट वो मुहैया कराता है, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गोपाल जी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम लोग सबसे पहले एक हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होती है, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी बाकी वेल्थ जो है वो आपको इस हेल्थ को एंजॉय करने में बहुत मदद करेगी। गोपाल जी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अब हम लोग रोज नए नए टाई अप्स करके आपके लिए एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरर, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही हेल्थ बेस्ड बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको कि आप सब लोग नोनी के नाम से जानते हैं। चलिए, मैं पहले आपको लेकर चलता हूँ हमारे CMD गोपाल जी के पास। उनसे मिलने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा उस प्रोडक्ट के सफर पर। मित्रों, 15 अगस्त अपन ने नक्की किया, रक्षाबंधन का दिन भी आ गया। मैंने जैसे पहले भी कहा था, मेरी समस्त एनमार्ट के बहनों को रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई हो। मित्रों, हम लोग अभी जो काम करने जा रहे हैं ना, वो सबके साथ मिलके करना चाहते हैं। एनमार्ट में हम लोगों ने एक टीम बनाई है जिसका नाम है CND मैनेजमेंट टीम। उसमें करीब 45-50 लोग हैं, और कोई कैटेगरी नहीं है कि डायमंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। सजेशन देने वाले आदमी लोग हैं, जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, दौड़ धूप किए, सभी लोग डायमंड भी है और नॉर्मल व्यक्ति भी है। अब कोई भी काम करने से पहले ये 40-50 लोगों को उस काम के बारे में बताया जाता है कि हम लोग इस तरह से करना चाहते हैं, इसका सजेशन दो। अब इन लोगों में से जिसका सजेशन 60% प्लस होता है, उसी पे कंपनी काम करेगी। दूसरी बात, अभी जैसे सवाल आ रहा है कि प्रोडक्ट, तो हम लोग हर वीक आपको एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी। अभी ये वीक में आपको दिखाया जा रहा है दवेज नोनी। दवेज नोनी के मालिक जो है मौलिक दवेजी, मेरे फ्रेंड है, काफी सालों से मेरे संबंध है उनसे। उनको मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि साहब, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, और हम लोगों से अच्छे प्रोडक्ट कैसे, हम लोगों तक अच्छे प्रोडक्ट कैसे पहुंचा सकते हैं, और आपकी क्वालिटी आप मेंटेन करके, उसके बारे में मौलिक दवे जी आपको जानकारी भी देंगे। प्लांट की अभी आपको जो जानकारी मिल रही है उसको ध्यान में रखें। मित्रों, दूसरा सवाल एक आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की डिमांड हो रही है कंपनी की ट्री बदल देनी चाहिए, अपलाइन बदल देना चाहिए। मैं सब लोगों से एक विनती करता हूं, एथिक के बिना अपन कोई काम नहीं करेंगे। अपने जो एथिक और आदर्श है, अपन उसी पे काम करेंगे। दूसरा मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को मैसेज नहीं मिला हो, आईडी पासवर्ड नहीं मिली हो, तो हम लोग उसका एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि ये वीक में सॉल्यूशन निकाल देंगे, जो आपको एनमार्ट की वेबसाइट पे सॉल्यूशन नजर आएगा। दोस्तों, एनमार्ट एक प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, ये जनरल कस्टमर के लिए भी है और एनमार्ट के पुराने मेंबर है उनके लिए भी है। मेंबरों को किट के जरिए, सामान के जरिए जो मुनाफा मिल सकता है वो हम लोग दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और नए लोग जो माल मंगा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बीच में 40 मैनेजमेंट के लोगों को किट भेजा था, तो उससे ये जाहिर हो गया कि हम लोग 40 आदमियों तक आराम से किट पहुंच गए, मतलब पांचवें दिन डिलीवरी आपकी पहुंच जाती है। वर्किंग 5 दिन चाहिए। ऐसे ही आप लोगों ने अभी जो 15 अगस्त को बुकिंग की है, FMCG किट वगैरह आपने जो बुकिंग की है, मैं कोशिश करूंगा 5 दिन
पांच दिन में आपके पास आ जाए। दोस्तों दो बात बता देता हूं मैं, अगर सब मिलके चलेंगे तो गाड़ी मुझे लगता है जल्दी बाहर निकाल लेंगे। रिटेल का काम करना कोई गुनाह नहीं है, हम लोग वही रिटेल का काम कर रहे हैं, लोगों को माल भेज रहे हैं और एक रुपया एडवांस नहीं ले रहे हैं। पोस्टल के थ्रू माल आपके घर पे जाने के बाद आपको पोस्ट में ही पैसा जमा कराना है, माल आपके घर पे आने के बाद एक रुपया कोई भी एडवांस डालेगा नहीं। अच्छा, बीच में ऐसी भी रूमर आ रही थी कि कोई एनमार्ट के नाम से फोन करता है कस्टमर को कि आपके आईडी पासवर्ड और आपका कार्ड का नंबर ये सब दे दो। मेहरबानी करके बिना ऑथेंटिक पर्सन के बिना, और पहली बात एनमार्ट आज तक किसी को उसका कार्ड का आईडी नंबर पूछता ही नहीं है। आपका क्रेडिट कार्ड, सेविंग कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी हो, आपके बैंकिंग के बारे में हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, आपका बैंक का पासवर्ड हमको चाहिए ही नहीं। मित्रों, आपके जो सीक्रेट पासवर्ड है आपको कोई मिसगाइड करेगा, इसलिए इससे सावधान रहे। और सभी को दो चीज बता देता हूं मैं, फेस वन को पूरा होने दो, फेस टू में मैंने जो बताया वो पूरा करूंगा। फेस वन में जो हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, काफी बड़ा जोश दिखाया लोगों ने, लोगों का एक एक मैसेज, एक एक जोश। दोस्तों तीन दिन में 15, 16, 17, 18, जबकि 15 को भी छुट्टी थी, 16 को चालू था, 17 को छुट्टी है, 18 को रक्षाबंधन की छुट्टी है, फिर भी कम से कम 200-250 ऑर्डर आए हैं। इसका मतलब पब्लिक फुल्ली पॉजिटिव है माल खरीदने के लिए एनमार्ट के साथ। और जिन जिन लोगों को किट मिला है उन्होंने मैसेज भी बहुत अच्छे डाले। दोस्तों नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव सोचोगे। जब तक अपने अकाउंट और वेबसाइट सील है तब तक हम लोग माल बेच के लोगों के जरिए काम कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। बोलने वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मैंने क्लियर कट सबके सामने बैठ के बोला है कि 6 महीने का टाइम मुझे चाहिए। जब तक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ ना कुछ अपने अकाउंट सिलसिले में या और कोई जो जो अपनी पेंडिंग पिटीशन है उनका कोई ना कोई रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों खाली फोटो और फेसबुक में डालने से काम नहीं होता है, काम करके दिखाओ। खाली बातें करने से, लोगों को नेगेटिव करने से काम नहीं होगा, उनको बोलो हिम्मत है तो सामने आके पॉजिटिव करके दिखाओ। और मैं तो बैठा ही हूं 4-5 साल से, 7 साल हो गया मुझे कंपनी चलाते हुए, और पहले भी बोला हूं जितनी जो जवाबदारी है मेरी वो पूरी करूंगा। जीऊंगा भी एनमार्ट के साथ, रहूंगा भी एनमार्ट के साथ और मरूंगा भी एनमार्ट के साथ। दोस्तों बहुत बार बोल चुका हूं मैं, सोच है ना, सोच बदलो, आपके रास्ते सब अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी नहीं चलाते हो? कम से कम आप अगर कुछ किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी को बुरा करने का तो आपको राइट नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं तो अपनी अपना रास्ता जानता हूं, जिसको जो बोलना है, जिसको जो लिखना है, जिसको जो करना है, मुझे मेरा कर्म करना है। और मेरे सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अपने को किसी के बारे में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। काम ऐसा करो कि ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाए, और वो हम लोग करने जा रहे हैं। 15 अगस्त हमने बोला था वेबसाइट चालू करेंगे, लोगों की डिटेल आ गई है, वेबसाइट चालू हो गई है, लोगों के ऑर्डर आ गए हैं, लोगों के ऑर्डर जाने लगे हैं। मित्रों धीरे धीरे कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने तकलीफें नहीं देखी होगी। तकलीफ से बाहर निकलने के बाद ही आदमी को दूसरा दर्जा मिलता है। एक औरत को मां बनने के लिए उसको तकलीफ और मौत और जिंदगी से खेलने के बाद मां का दर्जा मिलता है। वैसे ही हर एक चीज इजी किसी को नहीं मिलती है। हिंदुस्तान में जितने भी व्यापारी है, वर्ल्ड के कोई भी व्यापारी है कहीं के भी, वो सब लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ आगे बढ़े। कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं जो आगे बढ़ना नहीं चाहता हो, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी सोच पर डिपेंड करता है। इरादे रखोगे तो, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, आपके रास्ते क्लियर होंगे। एनमार्ट पहले था आपके साथ, है और जिंदगी भर रहेगा। मैं तो 24 घंटा आपके लिए हूं। मैंने कहा ना, मैं मीटिंग वगैरह पे अब कम विश्वास करता हूं, काम पे ज्यादा विश्वास करूंगा। मीटिंग करूंगा आपके साथ, ऑनलाइन कर ही रहा हूं ना, व्हाट्सएप पे मैं हूं ना आपके साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मेरे मैसेज आते हैं ना,
टीवी चैनल के माध्यम से आपके साथ हूं ना मैं, आप उसको देखते रहो, आपको कोई भी चीज की जानकारी लेनी हो, कंपनी का कस्टमर केयर है, आपके अपलायंस से जानकारी ले लो। देखो दोस्तों, धीरे धीरे 4 साल बिगड़ी हुई चीज एक दिन में नहीं सुधरेगी, मुझे सुधरने का टाइम दो, यही मेरी आपसे विनती है। क्योंकि कोई चीज को बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम जाता है। घर तोड़ना एक दिन में होता है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम जाता है। किसी बहुत अच्छे आदमी ने एक बात कही है कि बिगाड़ने वाले का लक्ष्य नहीं होता है, वो तो डैमेज करता है, उसका लक्ष्य नहीं होता है, उसका कोई टारगेट नहीं होता है कि मैं क्यों बिगाड़ रहा हूं। लेकिन बनाने वाले का टारगेट जरूर होता है कि इस घर में यहां तस्वीर होगी, यहां मेरा बेडरूम होगा, यहां मेरा किचन होगा। बनते टाइम वो जरूर सपनों का महल बनता है, तोड़ते टाइम तो एक ही पिक्चर दिमाग में रहती है कि इसको डैमेज कैसे करें, कौन सा कॉलम तोड़ूं। तो बनाने में थोड़ा सा टाइम जाता है, वो टाइम मुझे आपसे चाहिए। आपने आज तक मेरा साथ दिया है, पॉजिटिवली आपने मेरा सपोर्ट किया है, मैं आगे भी चाहता हूं कि आप इसी तरह से एनमार्ट परिवार को सपोर्ट करके और आगे बढ़ाए। दोस्तों, क्या कोई बोलता है, क्या कोई करता है, सिर्फ अपने कर्म करते रहो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। मैं तो इतना ही जानता हूं। आज तक ऐसा हुआ है कभी कि कोई खुल के सामने आके बात करता है, सच्चाई बयां करता है? ऐसा कोई है सीएमडी और भी कंपनी का मार्केट में? ये सिर्फ आपकी बदौलत है, और वो मैं सच बोल रहा हूं आपको, आप लोगों की ताकत है जो आपने 15 अगस्त को दिखा दी। आप लोगों ने विश्वास दिखाया, लोगों ने पॉजिटिव सेंस दिया, और जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उन लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूं। वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं, वो लोग एनमार्ट के एक पार्ट है। एनमार्ट जीत मेरी नहीं है, आप सबकी है। जिन लोगों ने दिल से सपने बनाए ना एनमार्ट के बारे में, वो सपने सजाना शुरू कर दो। रिटेल में माल बेचना दुनिया में कोई गुनाह नहीं है। हम लोगों ने पहले भी कहा, आज हम लोग रिटेल में माल बेच रहे हैं, लोगों के घर तक माल बेच के पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अपने पे कोई जात का कोई एक्सेप्ट टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। लोग बोल रहे थे ना बीच में कि तो पैसा लेके भाग जाएंगे, तो पैसे की जरूरत नहीं है हमको, माल आपके पास आने के बाद पैसा भेजो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बोलने वालों को जिंदगी में नहीं पकड़ सकते। सिर्फ अपना कर्म करो, भगवान आपकी 100% नया पार लगाएगा। मैंने पहले भी कहा भगवान नारायण की कंपनी, आज भी बोलता हूं और जिंदगी भर यही वर्ड रहेगा, 100% इस नैया को पार लगाऊंगा। आई एम कॉन्फिडेंट विथ योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल एनमार्ट परिवार, सपोर्टर्स, फ्रेंचाइजी ओनर्स, बिल्डिंग ओनर्स, आप लोगों ने मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि गोपाल जी ने भी हमें बताया कि नए प्रोडक्ट्स अब धीरे धीरे एनमार्ट के साथ जुड़कर आप लोगों के घरों तक पहुंचते जाएंगे, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे उन मैन्युफैक्चरर साहब के पास जिनका की प्रोडक्ट अब आपको आगे मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए चलते हैं फैक्ट्री के एक छोटे से टूर पर और देखते हैं कि यह प्रोडक्ट किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह गोपाल जी एक एक प्रोडक्ट को अपने हाथ से चुन चुन कर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देखकर आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि आपके घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना शुद्ध, कितना सात्विक और कितना बढ़िया है।
चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ सवाल करूंगा हमारी इस कंपनी के मालिक श्री मौलिक दवे जी से। मौलिक जी, ये बताइए सबसे पहले कि नोनी है क्या? नोनी एक बहुत पुराना, तकरीबन 3000 से 5000 साल पुराना फ्रूट है। वेदों में हम इसको आँच कहते थे। उसका जो इंग्लिश नेम है वो है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। दुनिया के अलग अलग देशों में ये फ्रूट अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूरी दुनिया में नोनी एकमात्र फ्रूट ऐसा है जिसके अंदर 150 से ज़्यादा मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, प्रोटीन, न्यूट्राश्यूटिकल्स, एमिनो एसिड, ऐसे बहुत तत्व पड़े हैं। सही मायने में अगर समझे तो ये एक फ्रूट जिसको हम पृथ्वी का अमृत या संजीवनी भी कह सकते हैं। ये फ्रूट जो है उसका जो पल्प है और उससे या ये फ्रूट से ये जो वेलनेस ड्रिंक हम बनाते हैं, दवेज नोनी या कोई भी नोनी जूस, वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और भगवान ने हमें जो नेचुरल सेल्स दिए हुए हैं बॉडी में उसको रिजेन्यूएट करता है और हमको आजीवन हेल्दी और हैप्पी रखता है। भारत में नोनी जूस कैसे बनाया जाता है? ये नोनी जूस सिर्फ भारत में नहीं, पूरी सृष्टि में कई देशों में बनता है। सबसे पहले ये प्योर होना चाहिए, क्योंकि ये जो नोनी फ्रूट है उसको आप जब प्योर फ्रूट के पल्प से बनाते हो तो उसकी जो असर है, उसकी जो हमको हमारे शरीर पे असर होनी चाहिए वो ज़्यादा मिलती है। प्योर नोनी ये एकदम संपूर्ण और सब तरह से सुरक्षित है। हर एक देशों में प्योर नोनी बनती है और ये नोनी हमेशा प्योर नोनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जितनी चीज प्योर होती है उतनी उसकी असर ज़्यादा होती है। और भारत में भी ये प्योर नोनी हम बनाते हैं, बाकी देशों में भी ये प्योर नोनी बनाते हैं। और भारत में जो हमने ये नोनी बनाई है इसका नाम हमने रखा है दवेज नोनी। हमने हमारा प्लांट भी ऐसा आधुनिक बनाया है जिसमें अंडरग्राउंड टंकी में से पानी आने के बाद, पूरी प्रोसेस होने के बाद, जब तक बॉटल पैक नहीं होता है कोई ह्यूमन टच नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ह्यूमन के शरीर में जाने वाले हैं। तो हमने क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा है। हमने जो प्लांट का लेआउट, डिज़ाइन और ये सब भी किया है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है, और प्रोडक्ट प्योरिटी पे, क्वालिटी पे हमने बहुत ध्यान रखा है। मौलिक जी, इस चीज़ पर प्रकाश डालिए कि भारत के लोगों के लिए नोनी का जूस क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, प्रोजेरोनिन नाम के तत्व, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। इसके कारण क्या होता है, आज जैसे ही हम माँ का दूध छोड़ते हैं, फिर हम चाहे सरेलक खाए, सब्जी रोटी खाए या कुछ भी खाए, छोटी उम्र से हमारे शरीर में टॉक्सिक यानी कि पेस्टिसाइड बढ़ता है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो अपने बच्चों को बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेमोरी पावर के लिए अपने को अलग अलग प्रोटीन, विटामिन्स सब देने पड़ते हैं। एक उम्र में हम जब जॉब वगैरह करते हैं तो अपना स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, आज की आबोहवा, हमारी खाने पीने की आदतें, लाइफस्टाइल, इसके कारण हमको छोटी सी उम्र में हमारे शरीर में टॉक्सिक बढ़ने के कारण और अपनी इरेग्युलर लाइफ, स्ट्रेस, उसके कारण कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे छोटी उम्र में थकान होना,
पर्सनल लाइफ ना एंजॉय करना, डायबिटीज जैसी बीमारियों में स्ट्रेस के कारण इंटर होना, शरीर में ज़्यादा टॉक्सिक पेस्टिसाइड होने के कारण कैंसर जैसे रोग होना, नी जॉइंट्स और सारे शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में पेन होना, लेडीज में थकान, उनके प्रॉब्लम्स, हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स, कई प्रॉब्लम्स छोटी उम्र 7-10 साल के बच्चे से लेके बड़ी एज तक हमको होते रहते हैं, उसके कारण हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। पर ये लेने से एक नॉर्मल है कि जब हमारे शरीर में ये कुदरती फ्रूट से बनी हुई चीज दवेज नोनी, ये जो हमारा वेलनेस ड्रिंक है जो कि प्योर दवेज नोनी वेलनेस ड्रिंक है, ये जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में लीवर में जाके अपने पूरे ब्लड में मिक्स होके पूरे शरीर में सर से लेके पैर के लास्ट वेन तक वो मूव करता है और अपने बॉडी को अंदर से साफ करता है। जैसे आज मैं 50 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, 40 साल का हूँ या 80 साल का हूँ, हम हमारे शरीर को अंदर से साफ नहीं करते हैं, इसके कारण शरीर में बीमारियाँ कई बार आती है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जाके हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और भगवान ने जो हमको सेल दिया है उसको रीजनरेट करता है और आप हेल्दी जी सकते हो। जब आप हेल्दी हो तो बाकी सारी चीजें आप अच्छी तरह से कर सकते हो, ये मेरा मानना है। चलिए ये तो हो गई आपके प्रोडक्ट की बात, अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप एनमार्ट से जुड़कर और गोपाल जी से मिलकर अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब गोपाल शेखावत जी आए, इन्होंने हमारा प्लांट देखा तो एक चीज इनके मिलने के बाद मैं समझ गया कि ये आदमी लोगों के साथ ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके किसी को गलत देके गलत करके श्री गोपाल शेखावत जी धंधा नहीं करेंगे। जब इन्होंने हमारा प्लांट देखा, हमने भी इनको परखा, इन्होंने भी हमने परखा, तब हम दूसरों के भी एक दूसरे के बीच में एक वार्तालाप शुरू हुआ कि हम ये बिजनेस करें, जिसमें सराहनीय बात ये है कि गोपाल शेखावत जी ने मेरे को एक बात बोली, साहब ये प्रोडक्ट आम भारत हिंदुस्तान के नागरिक के पास जाने वाली है और हमारी एनमार्ट की पॉलिसी है हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे अगर आप हमको प्योर नोनी, सिर्फ नोनी जो बनी हुई है ठीक है, बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ देंगे तो ही हम आपसे धंधा करेंगे। और इनकी इसी बात से हम अप्रिशिएट हुए, मैं भी राजी हुआ कि मैंने जिस लेवल का ये प्लांट हिंदुस्तान में बनाया है इसकी कदर करने वाला और आम आदमी तक, हिंदुस्तान की आम आदमी तक, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए मेरे को सही रास्ता मिला है और ये प्रोडक्ट जब लेंगे तो इनकी हेल्थ भी अच्छी होंगी, खुश भी रहेंगे। गोपाल शेखावत जी को मैं बधाई देता हूँ, उनके जो विचार है उनसे मैं बहुत बहुत अभिरुक्त हुआ हूँ और उसी नाते मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये शुरुआत हम करने जा रहे हैं जिसमें हम हमारी ब्रांड से गोपाल जी को माल देंगे, एनमार्ट को माल देंगे, एनमार्ट अपनी तरीके से उसको मार्केटिंग करेगी और प्रोडक्ट को बढ़ाएंगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह देश के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स फिर से एनमार्ट के साथ जुड़कर अपने प्रोडक्ट्स को आप सब तक पहुंचा रहे हैं। आपसे यही अनुरोध है कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से नए नए अपडेट्स और नई नई चीजें देखते रहें और जुड़े रहें इस प्रोग्राम के साथ।